अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज क्लास स्टार्ट करते हैं। रब इशरह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब ज़िदनी इल्मा। सो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर अब तक चल रहा है बॉडी माइक्रोब्स, और आज जो हम चैप्टर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट्स अबाउट नेचुरल डिकम्पोजर्स। ठीक है, आपके लिए टॉपिक के नाम बिल्कुल न्यू होगा, तो उसकी तरफ चलते हैं कि नेचुरल डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हैं या फिर हार्मफुल हैं, ये सब पढ़ते हैं। सो आगे चलते हैं। नेचुरल डिकम्पोजर्स जनाब, बैक्टीरिया और फंजाई, ये वो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेचुरल डिकम्पोजर्स कहते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप इस वाली पिक्चर की तरफ देखें। दे कंज्यूम डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम, रिड्यूस देम इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ मैटर। जनाब, डिकम्पोजर्स जो है वो उन्हें कहा जाता है जो डेड प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट जो खत्म हो गए हों, वो एनिमल्स जो मर गए हों, उनको, यानी कि उनके ऊपर जाते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं, और जब उनको खाते हैं तो एक प्लांट बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो जिस वक्त फंजाई और बैक्टीरिया उन पर अटैक करते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं, तो वो उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मट्टी में मिल जाते हैं, और मट्टी में मिलने की वजह से मट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो जब उस मट्टी में कोई नया प्लांट उगता है तो उस प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा नरिशमेंट, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सही है। सो ये पूरा इस क्वेश्चन के बारे में है कि व्हाई आर बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड नेचुरल डिकम्पोजर्स। उन्हें नेचुरल डिकम्पोजर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुदरती तौर पर होते हैं, अल्लाह ताला ने बनाया ये बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डिकम्पोजर होते हैं, और उनका काम ये है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीके कर देते हैं, सड़ा देते हैं इनको ऑर्गेनिक मैटर से सिंपलर सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक मैटर से सिंपलर सब्सटेंस में लेकर आ जाते हैं, ताकि ये जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके सॉइल को। ठीक है, तो ये यहीं तक है आज की क्लास, और आपको जो होमवर्क दिया गया है आपके पास मौजूद होगा ऑलरेडी, ये वीडियो देखने के बाद आपने अपने को कंप्लीट होमवर्क करना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।